शेयर करूं दोस्तों। सबसे पहली चीज, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेके, अंडरकटिंग, प्राइसिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और बहुत सारे लोग बार बार मेरे से सवाल करते हैं कि जी ये कब बंद होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे आज आप सबको बताना चाह रहा हूं कि एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया है नया, विच इज ए गाइडलाइन एज ऑफ नाउ, बट उसके ऊपर बहुत सारी तेजी से बातचीत चल रही है कि उस गाइडलाइन को, विच इज ए क्वाजी लीगल सिचुएशन, उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जैसे ही ये क्वाजी लीगल गाइडलाइन लॉ में कन्वर्ट होंगी तो हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को टैकल करने के लिए। दूसरा, मेरे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी इसमें एफएलपी क्या कर रही है। मैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे अगेन आपको आज ये बताना चाह रहा हूं कि एफएलपी ने सबसे पहली चीज तो ये है कि इस ऑनलाइन बिजनेस को मिसयूज करने में हमारे ही कुछ लोग बीच में इन्वॉल्व हैं। और आप देख सकते हो पिछले 5-6 महीने में हमने कितने एक्शंस लिए हैं कितने लोगों के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उन एक्शंस के जो आउटकम है वो सबको नजर आ रहे होंगे धीरे धीरे। अब जैसे कि ये प्रोसेस सालों साल चलता आ रहा है और जो हम एक्शंस ले रहे हैं, ये नहीं पॉसिबल है कि इन एक्शंस का रिजल्ट ओवरनाइट आपको नजर आएगा, बट इन एक्शंस का रिजल्ट धीरे धीरे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अब हम एक्टिवली अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, और एक्सटर्नली जो लीगल एक्शंस हमें टेक केयर करने हैं हम वो भी ले रहे हैं। सो मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहूंगा कि जीरो हो जाएगी, बट नेग्लिजिबल हो जाएगी, हमारे बिजनेसेस को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसके साथ साथ एक मैं वार्निंग भी देना चाहूंगा कि जब आपने बिजनेस शुरू किया होगा कोई और चैलेंजेस रहे होंगे, अब ये चैलेंज आया है, अगर हम इसको टेक केयर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। कल को हो सकता है एज दी बिजनेस अनफोल्ड्स, एज दी कंपनी अनफोल्ड्स, एज अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस कॉम्पिटिशन कम्स इन, तो हो सकता है कल को कोई और चैलेंजेस आए, तो हमें मेंटली किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा दोस्तों, मेरे पास एक बहुत सारी न्यूज भी है और डिस्टर्बेंस भी है कि बहुत सारी डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सक्सेसफुल लोगों को टारगेट करती है, हमारे सक्सेसफुल लीडर्स को टारगेट करती है। उसके बारे में दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जब मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी तब मैंने नवाज मैम से एक ही सवाल पूछा था हमारा प्लान देखते हुए। मैंने कहा जितने पैसे आप इस प्लान में लोगों में बांटते हो, मेरे हिसाब से इस कंपनी को सक्सेसफुली चलाने में बहुत दम लगता है। बिकॉज ये कंपनी सक्सेसफुली पिछले 40 सालों से भी ज्यादा से चल रही है और इतने ही पैसे लगातार लोगों में बांटती चली जा रही है। दोस्तों इसका मैं एक सबूत आपको देना चाहता हूं। मैं पिछले बहुत दिन से कुछ एनालिसिस कर रहा था, मैंने सारी कंपनियों को देखा, उनमें से मैं 3 कंपनियां सिलेक्ट करी, मैंने नाम नहीं दूंगा मैं किसी कंपनी को। आज अगर कोई प्रोडक्ट आप 100 रुपए का कंपनी से खरीदते हो होलसेल प्राइस के ऊपर, कोई भी कंपनी दोस्तों ऐसी नहीं है जो कमीशन 100 रुपए की वैल्यू के ऊपर देती है।
कंपनियां से बाहर आएंगी। सिर्फ FLP ही ऐसी कंपनी है जो अगर आप 100 रुपए की चीज खरीदते हो तो 143 रुपए के ऊपर आपको कमीशन देती है। पुरानी से पुरानी कंपनी, नई से नई कंपनी, दोस्तों जिनका भी मैंने एनालिसिस किया है वो सब 100 रुपए की चीज बेचने के ऊपर 40 रुपए से लेकर 90 रुपए के ऊपर कमीशन देती है। अगर आप लगा लीजिए, आप सब समझदार हैं, कैलकुलेशन आपको आती है, कैलकुलेटर्स भी हैं आपके पास, 100 रुपए की चीज के ऊपर अगर 50 रुपए पे 20% कमीशन भी देते हैं तो 10 रुपए कमीशन बनता है। और FLP 100 रुपए की चीज के ऊपर 143 रुपए के ऊपर 20% कमीशन देती है तो कितना बना। सो अगर कोई आपको कोई दूसरी कंपनी का लालच दिखाता है और आप उस लालच में आ जाते हो तो मेरे को नहीं मालूम मैं आपको क्या कहूं। आप लोग सब खुद बढ़िया से जानते हो उस वर्ड, राइट? थैंक यू।